हेलो बेटा, मैं राजीव सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर में। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग अकाउंटेंसी 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम देखेंगे बेटा वो कौन सा शॉर्टकट है जिससे कि हम लोग कुछ ही सेकेंड में कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला या फिर कैपिटल रिजर्व क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए कैपिटल रिजर्व होता क्या है। कैपिटल रिजर्व बेटा डिफरेंस है इस चीज का, अमाउंट फॉरफिटेड माइनस अमाउंट यूज, कि भाई कितना उस शेयर होल्डर ने पे किया हुआ था जो कंपनी फॉरफिट कर रही है और उसमें से कितना अमाउंट कंपनी ने शेयर्स को रीइशू करने पे यूज कर लिया। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पर शेयर अमाउंट फॉरफिटेड और एक शेयर पे रीइशू पे कितना लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। तो हमें यहां पर अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर और अमाउंट यूज पर शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर मैं जितना मैंने फॉरफिट किया था एक शेयर में से उसमें से अगर मैं अमाउंट यूड माइनस कर दूं तो मेरा कैपिटल रिजर्व निकल आता है बेटा पर शेयर। अगर आपने पर शेयर कैपिटल रिजर्व निकालना सीख लिया तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, विद इन सेकेंड यू कैन कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व। कैसे बेटा, अब हम इसको एक दो एग्जांपल के साथ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कैपिटल रिजर्व होता है क्या है, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस में अमाउंट यूज्ड पर शेयर। दूसरी जो चीज ध्यान रखनी है वो आपको ये ध्यान रखनी होती है बेटा कैपिटल रिजर्व नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड पे कैलकुलेट होता है। इस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम कहां आती है, अगर हमने जितने शेयर्स फॉरफिट किए उन सबको रीइशू कर दिया तो कोई इशू नहीं होता है कैपिटल रिजर्व निकालने में। बट प्रॉब्लम कहां आती है, जब हमने फॉरफिट किए हैं ज्यादा और उसमें से रीइशू किए हैं कम, तब वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां पे फिर हमें पूरा जो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है प्रॉपर, उसके बाद हम कैलकुलेट फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ट्राई करके देखते बेटा कुछ क्वेश्चन के कैसे कुछ ही सेकंड में हम लोग कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि बेटा आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक केस है जिसमें एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3 ईच। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन दे रखा होता है बेटा उसमें दो चीजें होती है, या तो आपको बताया होगा कि उसने क्या पे नहीं किया, ठीक है, या आपको बता रखा होता है उसने क्या पे किया है। तो यहां पे दिया हुआ है कि उसने क्या पे नहीं किया, ठीक है, तो इसका मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसने क्या पे किया होगा। अगर 10 रुपए का शेयर था बेटा 3 रुपए फाइनल कॉल पे नहीं किया है तो इसका मतलब है उसने जो है 7 रुपए पे किया होगा जो कंपनी ने फॉरफिट किया होगा। ठीक है, 10 मंगाया था उसमें से 3 पे नहीं किया तो एक शेयर पे बेटा अमाउंट फॉरफिटेड हो गया रुपीज सेवन इंच। तो पहली चीज आपको यह निकालना है कि एक शेयर पे उसने कितना अमाउंट पे किया हुआ है। ठीक है, दोनों तरीके से निकल सकता है, अगर पेड वाला बताया कि क्या पे किया है फिर तो कोई इशू ही नहीं है, और अगर ये बताया कि क्या पे नहीं किया तो जो टोटल मंगाया था उसमें से जो पे नहीं किया वो माइनस कर दो, आपका टोटल अमाउंट फॉरफिटेड आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि इसमें से कितना अमाउंट उसने यूज कर लिया एट द टाइम ऑफ रीइशू अब हमें यहां पे ये देखना होता है कि शेयर्स हमने कितने रुपए में रीइशू किया और कैपिटल हमें कितने रुपए की बनानी है। ठीक है बेटा, यहां पे हमने देखा कि 9 रुपीज ईच में इशू किया है, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब फुल्ली पेड, यानी 10 रुपए के अकॉर्डिंगली आपको शेयर कैपिटल बनानी है। 9 रुपए में इशू किया है बेटा, 10 रुपए कैपिटल बनाना है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 1 रुपया शॉर्ट है और वो 1 रुपया आपने कहां से लिया होगा, जो आपने यहां पे फॉरफिट किया है आपने वहां से वो 1 रुपया लिया होगा। ठीक है, यानी कि इन शेयर्स पे इन्हीं शेयर्स पे हमने 7 रुपीज फॉरफिट किया और उसमें से 1 रुपया हमने रीइशू पर यूज
कर लिया तो जो बैलेंस है बेटा दैट इज 6 रुपीज, ये आपका कैपिटल रिजर्व है, ये आपका कैपिटल रिजर्व है। अभी आपको 80 शेयर्स आपने रिशू किए हैं और मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ शेयर रिशू है उसी पे आपको कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो आपको कैपिटल रिजर्व टोटल निकालना है तो क्या करोगे, एक शेयर पे 6 है तो 80 पे निकाल दो, इट विल बी 480 रुपीज। ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोला हो कि इन्होंने 50 शेयर्स रीइशू किए हैं तो कैपिटल रिजर्व निकालने का वही फॉर्मूला। ठीक है, पहले आपने पर शेयर कैपिटल रिजर्व निकाल लिया और यहां पे 50 × 6 कर दो, दैट इज 300 रुपीज, दैट इज 300 रुपीज। क्लियर है? अब ऐसे ही अगर आपको कुछ भी बोला जाए कितने भी नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए हो, आपको पर शेयर निकाल लेना है और जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू किए हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करके कैपिटल रिजर्व निकाल लेना है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं अलग से लेके चलता हूं कि किसी कंपनी ने 1000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2, तो इसका मतलब है उसने ₹8 एक शेयर पे पे किया होगा जो कंपनी फॉरफिट कर सकती है, तो अमाउंट फॉरफिटेड हो जाता है ₹8। ठीक है बेटा, इसके बाद बोला है कि इसमें से 600 शेयर्स उन्होंने ₹8 में रीइशू कर दिए हैं। ठीक है बेटा, यानी यहां पे फुली पेड अगर बनाते हो तो ₹2 आपका शॉर्ट है, ₹8 आपने फॉरफिट किया, ₹2 उसमें से आपने शॉर्ट रहा तो यूज कर लिया, आपका कैपिटल रिजर्व यहां पर भी ₹6 पर शेयर आएगा। और 600 शेयर्स रीइशू किया तो 600 × 6 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3600। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी वे है, अगर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं तो बहुत आसानी से आप कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा जल्दी से एक क्वेश्चन और हम लोग करके देख लेते हैं, अगर उसके बाद भी आपको इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स करके देख सकते हैं। क्वेश्चन है, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 80 शेयर्स ऑफ ₹100 इच, ₹80 वाज कॉल्ड अप। अब यहां पे ध्यान रखना है कि 80 मंगाया था, ठीक है, शेयर होल्डर पेड ओनली 50 आउट ऑफ ₹80, शेयर होल्डर ने 80 में से ₹50 पे किया है। देखिए पिछले केस में क्या था, उसने बताया था क्वेश्चन में कि उसने क्या पे नहीं किया है, और इस केस में क्या उन्होंने बताया कि उसने कितना पे किया है, तो पे किया है बेटा ₹50। ठीक है बेटा, तो अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर वही होता है जो उसने पे किया हुआ है, तो अमाउंट फॉरफिटेड हो गया बेटा ₹50 पर शेयर। ठीक है, अब लिखा है कंपनी रीइशूड 60 शेयर्स आउट ऑफ दीज 2 वाज फॉर ₹60 ईच एट फुली पेड अप। अब देखिए यहां पे एट फुली पेड अप लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि कंपनी को शेयर कैपिटल बनाना है 100, बट शेयर रीइशू किया है बेटा किसमें, 60 रुपीज में, तो 40 रुपीज यहां पर शॉर्ट हो गया है, और 40 रुपीज कंपनी क्या करेगी बेटा, जो कंपनी ने अमाउंट फॉरफिट किया है उसमें से उसको यूज कर देगी, तो 40 रुपीज यहां से माइनस कर देंगे, आप लिखेंगे अमाउंट यूज्ड एट द टाइम ऑफ रीइशू, दैट इज 40, तो आपका जो कैपिटल रिजर्व बेटा पर शेयर आ जाएगा आपका ₹10, कैपिटल शेयर कैपिटल रिजर्व बेटा पर शेयर आ जाएगा आपका ₹10। तो एक शेयर पर ₹10 बेटा, और आपने इशू किए कितने बेटा 60 शेयर्स, तो 60 शेयर्स पे आपको निकालना है कैपिटल रिजर्व, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 × 10, दैट इज ₹600। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको केवल ये देखना है कि कितना उसने पे किया हुआ है और उसमें से कितना अमाउंट रीइशू पर यूज हो गया है, उसका जो डिफरेंस होता है एक शेयर पे निकालना सीख लीजिए, ऊपर शेयर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर रीइशू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। आई होप बेटा आपको कैपिटल रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर पाया हूं ना, अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को भी सेम प्रॉब्लम आ रही होगी। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।